अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद अवैस और डॉक्टर आयशा सलीम आप लोगों के साथ मौजूद हैं। आज हम 3 दिसंबर के दिन वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और मैं आपको बताता चलूं, दिसंबर 3 पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के हवाले से ऑब्ज़र्व किया जाता है। इस दिन का मकसद ये होता है कि दुनिया में जितने भी स्पेशल पर्सन्स मौजूद हैं जिनमें मुख्तलिफ सलाहियत मौजूद हैं और वो दूसरों से मुख्तलिफ हैं, उनके चैलेंजेस को हाईलाइट किया जाए, उनके चैलेंजेस के साथ साथ उनकी कामयाबी को सेलिब्रेट किया जाए ताकि हम उन्हें मोटिवेट कर सकें और हम उनके अंदर ये चीज़ पैदा कर सकें कि वो किसी से कम नहीं है बल्कि वो आम इंसान से ज़्यादा बासलाहियत इंसान होते हैं और तो, उनके राइट्स के लिए अवेयरनेस क्रिएट की जी। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले चैलेंजेस की बात करेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान में डिसेबिलिटी से रिलेटेड लोगों की परसेप्शंस क्या हैं, उनके नज़रियात क्या हैं, उन नज़रियात को बेहतर किस तरह किया जा सकता है और फिर हम आखिर में इसके सजेशंस की बात करेंगे कि पाकिस्तान में हम एक स्पेशल पर्सन को जो विजुअली इम्पेयर्ड हो सकता है, जो हेयरिंग इम्पेयर्ड हो सकता है, फिज़िकली इम्पेयर्ड हो सकता है, ऐसे अफराद के लिए गवर्नमेंट की सतह पे और प्राइवेट सेक्टर में कौन सी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है ताकि उनकी हम परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकें। तो डॉक्टर आयशा, आप पहले बताइएगा कि आपने अपने चाइल्डहुड में फिर स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इस लेवल पे आपने किन चैलेंजेस का सामना किया? अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि डाइवर्स एबिलिटीज़ होती हैं लोगों में या डाइवर्स चैलेंजेस होते हैं, आईसाइट का हो सकता है, हियरिंग का हो सकता है, फिज़िकली चैलेंज हो सकता है, व्हीलचेयर यूज़र हो सकता है या मेंटली चैलेंज हो सकता है, स्लो लर्नर हो सकता है या मेंटली इम्पेयर्ड हो सकता है, इन तमाम लोगों को अपनी ज़िंदगी में जो सबसे बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है वो होता है सबसे पहले माशरे में एक्सेप्टेंस, उस फैमिली के लिए उस बच्चे को एक्सेप्ट करना, फिर उस फैमिली का माशरे में सर्वाइव करना, क्योंकि लोग आपको बहुत अजीब अजीब सी बातें करते हैं कि जी बच्चा ऐसा हुआ है तो आपने कोई गुनाह किया होगा या कुछ। अच्छा, आप सॉरी टू कट यू, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँ, आपने कहा कि फैमिली का बच्चे को एक्सेप्ट करना, देखें वालिदैन के लिए बच्चा मेरा ख्याल है कि उससे कोई कीमती या नायाब उनके लिए कुछ चीज़ इस दुनिया में नहीं होती। बिल्कुल। क्या स्पेशल पर्सन को एक्सेप्ट करने में पेरेंट्स भी टाइम लगाते हैं? बिल्कुल टाइम लगता है, और इसलिए टाइम लगता है क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होता ना कि उनका बच्चा जो है वो किसी चैलेंज के साथ पैदा होगा। तो वालदैन पहले लोगों की बातें सुनने की वजह से खुद ये फील करते हुए कि मेरा बच्चा देख नहीं सकता या मेरा बच्चा चल नहीं सकता, वो एक इमोशनल ट्रॉमा से गुजरते हैं, उनको खुद भी टाइम लगता है उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में। अच्छा, जब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इसको स्टडी करते हैं कि अच्छा मेरा बच्चा अगर ऐसा है, वो देख नहीं सकता, तो मैं ये ज़िंदगी कैसे गुजारेगा, उसके बहुत सारे फियर्स होते हैं, ये कैसे ज़िंदगी गुजारेगा, ये कैसे चलेगा, ये कैसे पढ़ेगा, इसकी ज़िंदगी में कामयाबी कैसे आएगी, वो सारी चीज़ें जब वो फियर्स होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो फिर इन चीज़ों को स्टडी करता है, तलाश करता है कि कोई स्कूल मिल जाए, मेरा बच्चा भी दूसरे बच्चों की तरह पढ़े, कुछ बन पाए। वालदैन को उस बच्चे पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है फिर उसके। अच्छा, हमारे यहाँ डॉक्टर साहब देखा गया है कि स्पेशल पर्सन को दो एक्सट्रीम्स पर हमेशा एनालाइज किया जाता है, बिल्कुल, या तो उन्हें बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दिया जाता है, हाईली उन्हें रेट कर दिया जाता है, यानी दो एक्सट्रीम्स हैं, या उन्हें सुपर कर ही नहीं सकता या सुपर नेचुरल ह्यूमन बीइंग उन्हें समझना शुरू कर देते हैं, या उन्हें बिल्कुल ही वो समझते हैं कि दे हैव नो एबिलिटीज़। तो आप इन दोनों एक्सट्रीम्स में से आपका अपना क्या एक्सपीरियंस रहा स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, और उसके बाद अब आप जाहिर है असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो जो प्लेस पे ये अब तीन तरह के चैलेंजेस मेरा ख्याल लेवल से आप गुजर चुकी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप ये देखें, या तो ये समझते हैं वो कर ही कुछ नहीं सकता, या वो ये समझते हैं कि ये बड़ा नेक है, बाबा है, इससे दुआएं कराओ, अल्लाह दे बड़े कोल हैगा, मतलब इस तरह की चीज़ें। तो स्कूल लाइफ में, कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ में लोग अक्सर आपको थोड़ी सी हेल्प करने के बाद कहते थे मेरे लिए दुआ करना। अच्छा, यानी ये हमारे माशरे का नज़रिया है कि जो स्पेशल पर्सनस हैं शायद वो तमाम अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब होते हैं, इसलिए वो दुआ का कह देते हैं, या वो ये समझते हैं कि ये दुनियावी तालीम तो हासिल कर नहीं सकते तो इनसे दुआ करवाई जाए। वो इसलिए भी कहते हैं कि ये शायद अल्लाह करीब हैं, ये एक चैलेंज से गुजर रहे हैं, अल्लाह से इनका ताल्लुक हमसे ज़्यादा मज़बूत होगा। नहीं, मेरा ख्याल है वो इससे ज़्यादा वो ये समझते हैं कि क्योंकि ये जो एजुकेशन है वो शायद हासिल नहीं कर सकते,
और अगर उनके हाँ कोई एजुकेशन हासिल कर ले ऐसा बच्चा, तो उसे वो बहुत ही हाईली रेट करना शुरू कर देते हैं, मेरा ख्याल है, जो उस बच्चे के लिए भी गैर मुनासिब होता है। वो फिर ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं एट टाइम्स। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं हम माशरे के रवैयों पे। एक तो वालदैन ने फेस किए ना, फिर वही बच्चा अगर स्पेशल स्कूल से उसने पढ़ लिया, मैट्रिक कर लिया, जब वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता है तो उसको हर किसी को बताना पड़ता है कि आई एम अ पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटीज़, मेरी नीड्स थोड़ी मुख्तलिफ हैं, टीचर्स को, क्लास फेलोज़ को, उसको दोस्त नहीं मिलते जल्दी। अच्छा, दोस्त नहीं मिलते, यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे गई तो क्या आपने भी ये चैलेंज फेस किया कि क्लासरूम में जब ग्रुप्स बनते हैं स्टडी के लिए, ग्रुप स्टडी होती है, तो उसमें इग्नोर करते थे स्टूडेंट्स आपको? उनका पता है क्या परसेप्शन होता है, उनका ये परसेप्शन होता है कि आप उनको आपका काम भी करना पड़ जाएगा, आप उनके ऊपर एक बर्डन है। कैफेटेरिया जाएंगे तो आपसे पूछेंगे आयशा तुम्हारे लिए कुछ ले आए, मतलब हमें इसको साथ ना लेके जाना पड़े क्योंकि शी इज़ अ बर्डन, तो चलो मैं पूछ लेती हूँ कि मैं, यानी वो लाइबिलिटी समझना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो नॉर्मल लोग हमारे फ्रेंड्स नहीं बनते। हमारे फ्रेंड्स यूजुअली वो लोग बनते हैं जो सिंपैथेटिक होते हैं या जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोई सफरिंग देखी होती है, उसकी वजह से उन्हें पता होता है कि जिंदगी आजमाइश है, इनकी जिंदगी भी आजमाइश है, तो मैं इनका साथ दूँ, ये मेरा साथ देंगे, तो एक ये रवैया हो जाता है। फिर उसके बाद जब आप पढ़ लेते हैं, अच्छा फिर आपने अगर अच्छे ग्रेड्स लिए तो लोग ये कहेंगे तुम्हें सिंपैथी की वजह से अच्छे ग्रेड्स मिले हैं, वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि इसने हमसे ज़्यादा मेहनत की होगी, इसको आउट ऑफ द वे जाकर, मतलब उस हमें नोट्स मिले, हमने खोले और पढ़ लिए, इसको नोट्स मिले, इसने घर जाकर स्कैन किए, स्कैन करके उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव किया, सेव करने के बाद उसे एडिट किया, एडिट करने के बाद उसने उसे पढ़ा, उसने कितनी ज़्यादा मेहनत की है। जी मैं यहाँ नहीं करते लोग, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आयशा सलीम जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हैं, करंटली वो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में एज असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन पढ़ा रही हैं, और उनका जो प्रोफेशनल करियर है पिछले 7 साल पे मुहित है, और ये जो एक्सपीरियंसेस हैं ये उनके रियल लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस हैं। और मैं भी आपको बताता चलूँ कि मेरे बारे में आयशा ने आपको शायद नहीं बताना था, मैं खुद ही बता देता हूँ, मैं भी लेक्चरर हूँ पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में, और मुझे भी तकरीबन 7 साल हो चुके हैं इस फील्ड में अपने सर्विसेज देते हुए। सेम एक्सपीरियंसेस अवैस के भी हैं क्योंकि इन्होंने भी ऐसे ही पढ़ा है। और अच्छा, जब हमने अच्छे ग्रेड्स ले लिए फिर लोगों के कम आ जाते हैं कमेंट्स। इसके बाद ये होता है कि जब आप डिग्री ले लेते हैं तो हमें प्राइवेट सेक्टर एक्सेप्ट ही नहीं करता, उन्हें लगता है वी आर गुड फॉर नथिंग, डिग्री ले ली, नंबर ले ली, लेकिन आप सर्वाइव नहीं कर सकते, आपके तो मोबिलिटी इश्यूज होंगे, आपके लिए तो हमें अरेंजमेंट्स करनी पड़ेंगे, आप क्लास को कैसे मैनेज करेंगे, हमारी जॉब्स के बहुत इश्यूज। मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मुझे अभी भी याद है कि 2014 में एक प्राइवेट बैंक है, उनके HR से हम मिले, HR कंट्री हेड से, बिल्कुल उन्होंने हमें कहा कि एजुकेशन आपने इसलिए हासिल कर ली कि आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में स्पेशल फैसिलिटीज़ मिली होंगी। वो कहते हैं मुझे आप जस्टिफाई करें कि मैं आपको स्पेशल फैसिलिटीज़ देने के बाद आपको मैं रिक्रूट क्यों करूं, मैं आपकी जगह दूसरों को रिक्रूट कर लेता हूं, क्यों लगाऊं? यानी वो हमें लाइबिलिटी ही समझते थे। अगर और हम अगर ये सोचते हैं कि लिटरेसी हैज़ समथिंग टू डू विद पब्लिक अवेयरनेस, तो मेरा ख्याल है इसका लिटरेसी से कोई ताल्लुक इतना नज़र नहीं हमें आता, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना उनके अंदर एहसास की भी अक्सर कमी होती है और वो समझ भी नहीं पाते कि हाउ कम वी डिड दिस। चलें, ये तो चैलेंजेस हो गए, अब थोड़ा आगे चलते हैं। आप क्या समझती हैं कि सोसाइटी के इन परसेप्शंस को आज के दौर में जब सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो चुका है, तो इसको हम सोसाइटी की परसेप्शन चेंज कैसे कर सकते हैं, इसमें पॉजिटिव चेंज आपके मुताबिक हम किस तरह ला सकते हैं? वो ऐसे लाया जा सकता है कि वो लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है इवन हैविंग अ डिसेबिलिटी, उनको हाईलाइट करें, उनकी अचीवमेंट्स को हाईलाइट करें, लोगों को बताएं कि किताबी बातें नहीं है, दिस पर्सन हैज़ डन दिस, जिस तरह से यूसुफ सलीम द फर्स्ट ब्लाइंड जज ऑफ पाकिस्तान, ही टॉप्ड इन जुडिशरी, उसके बाद यूसुफ के बहुत इंटरव्यूज हुए और मीडिया ने हाईलाइट किया, यानी उन इंटरव्यूज की वजह से लोगों को ये मौका मिला कि वो उसे देख सकें खुद, उसे सुन सकें, देख सकें, और ये जान सकें कि बेनाई ना होने के बावजूद यूसुफ ने किस तरह स्टडी किया, कंपीट किया और मेरिट पे उन्होंने सिलेक्शन हासिल की। यूसुफ को भी तो इंटरव्यू में यही इसी चीज़ का सामना था ना कि जो पैनल था
ने कहा भी आप देख नहीं सकते तो आप जजमेंट कैसे देंगे। वो एक जो हमारा ऑर्थोडॉक्स किस्म का बिहेवियर है, जो बिहेवियरल चैलेंजेस थ्रू आउट हम फेस करते हैं, वो हमें अपनी जॉब सिलेक्शन में फेस करने और इवन जॉब के बाद भी मेरा ख्याल है कि रोज़ाना हमें कहीं ना कहीं से ये आवाज़ सुनने को ज़रूर मिलती है कि शायद हमारी जो सिलेक्शन है वो किसी कोटा की मरहूने मिन्नत हुई होगी या हमें कहीं ना कहीं पे सिंपथी मिली होगी। बिल्कुल, इवन मुझे याद है जब मेरी पीएचडी हुई तो मुझे ये सुनने को मिला जी कहने को डिसेबल है फिर भी हर काम कर लेती है। तो ये बातें माशरे की मेरा ख्याल है हमें अगर जॉब प्लेस पे भी सुनने को मिलती है, इसका मतलब ये हुआ कि इवन द मोस्ट लिटरेट पर्सन, मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन इन आर सोसाइटी आर स्टिल रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट आवर क्रेडेंशियल्स। वो अभी भी हमारे क्रेडेंशियल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। एक ह्यूमन साइकी है, हमें लगता है जो हमसे किसी तौर पे जरा सा भी कमज़ोर है ना तो हम उसे ये बताएं कि तुम कमज़ोर हो। अच्छा, मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ सेमिनार्स तो बहुत ज़्यादा कंडक्ट किए जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन उस सेमिनार्स में होता क्या है, सेमिनार कंडक्ट किया जाता है स्पेशल पर्सन पे और 10 स्पीकर्स में से एक स्पेशल पर्सन होता है और 9 दूसरे लोग होते हैं जो अक्सर तो एक भी नहीं होता जो अपनी रिसर्च को पब्लिसाइज करने के लिए आ जाते हैं और स्पेशल पर्सन के लिए फ़ायदा नहीं होता। जो एक विजुअल इम्पेयर्ड या एक व्हील चेयर यूज़र या एक हेयरिंग इम्पेयर्ड फेस कर रहा है उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम्स को हम उनके ज़बान से सुनेंगे तो हमें सही मानों में पता चलेगा कि वो बेसिकली फेस कर क्या रहे हैं। एब्सोल्युटली, तो इस वीडियो के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं जी। आप क्या समझती हैं कि गवर्नमेंट को और प्राइवेट सेक्टर को कौन कौन से नए प्रोग्राम्स या टेक्निकल एजुकेशन स्टार्ट करनी चाहिए जिससे ख़ास तौर पर हम फोकस करेंगे विजुअली इम्पेयर्ड को जो बेनाई से महरूम अफराद होते हैं उनके लिए कौन से नए प्रोग्राम्स गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर स्टार्ट कर सकता है? देखिए अवैस, सिंस कंप्यूटर बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है तो कंप्यूटर के बहुत से ऐसे प्रोग्राम कराए जा सकते हैं जिससे हम अच्छा कंप्यूटर एक्सेसिबल आपने एक टर्म इस्तेमाल की, इसको थोड़ा आसान अल्फाज में एक्सेसिबिलिटी होती है कि एक इंसान जिसके पास कोई एक सलाहियत नहीं है वो अगर उस चीज़ को मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल कर सकता है तो इसका मतलब है वो चीज़ उसके लिए एक्सेसिबल है। हम कंप्यूटर किस तरह इस्तेमाल करेंगे? समझता ये है कि कंप्यूटर जो है वो हम माउस से हैंडल करते हैं, स्क्रीन पे एक आइकॉन बना होता है उसको हम जहाँ स्क्रॉल करके लेके जाते हैं, चीज़ को क्लिक करते हैं चीज़ खुल जाती है, मैक्सिमाइज़ करते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं, कलर चेंज करते हैं, कुछ भी करते हैं। लेकिन हम कंप्यूटर ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि हमारा एक सॉफ्टवेयर कॉल्ड जॉज, जॉब एक्सेस विद स्पीच, उसके ज़रिए कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं और हर चीज़ सुनते हैं तो हम राइटिंग का काम बहुत अच्छा करते हैं। यानी जो चीज़ भी स्क्रीन पे मौजूद होगी वो सॉफ्टवेयर हमें रीड आउट कर रीड करेगा हमारे लिए, ये आप कहना चाह रही हैं। तो हम लोगों को हम इवन देखें एडवर्टीजमेंट्स लोग चलवाते हैं ना रिटन किस्म की रिटन फॉर्म में, अब वो जो रिटन एडवर्टीजमेंट है क्या एक ब्लाइंड जो पर्सन है या विजुअल इम्पेयर जो पर्सन है वो क्या डिफरेंट वेबसाइट्स पे नहीं ड्रॉप कर सकता? अच्छा मेरी इसको थोड़ा सा मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा जो आप कहना चाह रही हैं। फ्रीलैंसिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से, जितना भी कॉन्टेंट राइटिंग, प्रूफ रीडिंग, ट्रांसलेशन, इस तरह का जितना भी मेरा ख्याल है कि काम होता है वो एक विजुअली इम्पेयर्ड बा आसानी देखिए हम विजुअल काम नहीं कर सकते, हम ग्राफिक डिज़ाइन नहीं कर सकते, हम फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, लेकिन हम वर्ड रीडिंग ज़रूर कर सकते हैं और उसमें हमारी एक्सपर्टीज एक आम और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट लेवल पर भी और प्राइवेट लेवल पर भी ये एक तो ये स्किल डिवेलपमेंट ज़रूर होनी चाहिए और फ्रीलैंसिंग में इसके कोर्सेज होने चाहिए और प्रमोट किया जाना चाहिए कि जितनी भी प्राइवेट फर्म्स हैं या गवर्नमेंट की फर्म्स हैं वो कंटेंट का जितना भी काम है, कंटेंट प्रोडक्शन का, उसकी एनालिसिस का, उसकी प्रूफ रीडिंग का, वो तमाम पढ़े लिखे विजुअली इम्पेयर्ड से अगर करवाएं तो मेरा ख्याल है कि इस रिसर्च असिस्टेंट्स लग सकते हैं जी बिल्कुल, तो इस पर ज़्यादा गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। अच्छा जो फीमेल हैं जो हाईली क्वालिफाइड नहीं है अवैस वो बहुत अच्छा बुनाई का काम कर सकती हैं। मुझे याद है जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ उस फोर क्लास में स्कूल में अनएजुकेटेड हैं उनके हाँ जी स्वेटर बुनना, शॉले बुनना, इस तरह के काम हम उन्हें सिखा सकते हैं। एक ज़माने मकरामे बनते थे धागों से बिल्कुल मुख्तलिफ डिज़ाइन, पर्ल्स उनमें लगा कर, तो वो इस तरह के काम हम उन्हें सिखा सकते हैं। वो डेकोरेशन पीसेस बना सकती हैं, हैंडी क्राफ्ट जिसे हम कहते हैं वो बना सकती हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी हाथों की उंगलियों से महसूस करके और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने कानों से सुन के कर सकते हैं। अच्छा आखिर में मैं चाहूँगा कि आप स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जितने भी हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें।
मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हम हमारे में से बहुत से लोग सारी ज़िंदगी ये कहते रहते कि मुझे नज़र नहीं आता इसलिए मैं ये नहीं कर सका। आप लोगों को ये क्यों नहीं बताना चाहते कि मुझे नज़र नहीं आता इसलिए मैंने ये कर लिया कि मैं दुनिया को बता सकूँ कि सिर्फ देखना एक बहुत बड़ी सलाहियत तो है लेकिन सिर्फ देखना ही ज़िंदगी नहीं है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, ज़िंदगी में बिनाई मौजूद है लेकिन बिनाई में ज़िंदगी मौजूद नहीं है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।